आईवीएफ से क्या हमें एक इस तरह का एक ये भगवान का दिया हुआ या साइंटिस्ट का दिया हुआ आप बोलो एक बून है, जिससे कि हम ये सिर्फ बच्चा ही नहीं पैदा कर सकते, एक स्वस्थ बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। स्वस्थ बच्चा उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनके बार बार बेबीज़ ख़राब हो रहे हैं, या फिर जिनके पहले बेबीज़ ऑलरेडी एनोमलस हो रखे हैं, या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। उस केस में एक पद्धति होती है पीजीटी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेक्निक, जो कि क्रोमोसोम्स में अगर ज़्यादा क्रोमोसोम्स पैदा हो रहे हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको देख सकते हैं, या कम क्रोमोसोम, या फिर जैसे थैलासीमिया के प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें पीजीटी एम यूज़ कर सकते हैं और पीजीटी एसआर भी करते हैं अगर और भी डिफेक्ट्स हैं। अगर किसी वजह से कपल में प्रॉब्लम आती है कि हस्बैंड या वाइफ में एक प्रॉब्लम आपको लग रहा है और आपको डोनर्स लेने की ज़रूरत है, तो उस केस में भी आपको कपल का ये कैरियोटाइप से ऊपर का टेस्ट होता है। कैरियोटाइप तो आपने सुना होगा वैसे भी, ये इसके ऊपर का टेस्ट होता है जो हमें बताता है, उसमें भी बेसिक और एडवांस्ड पैनल्स होते हैं जो हमें बताता है कि कौन सा डिजीज़, कौन सा प्रॉब्लम किस कपल में है और किस चीज़ से वो उसको इनहेरिट कर सकता है। तो इस तरह की तकनीक का आप उपयोग करें और अपना IVF कराएं, ये जेनेटिक टेस्ट करा करके, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी एक स्वस्थ बच्चा हो सके और आप IVF का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। हम रखें आपका ख्याल।